अफे और दो बाहर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। वक्ती गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती थी लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वही जब वो जीवो को देखता है तो वो जीवो के साथ भी फ्लोटिंग वे में बदतमीजी से बात करने लगता है जिसने जीवो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे लंडी को आली पड़ती है। अब वहाँ पैंटशाइन आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने को कहता है लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। अब तांगशांग और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का तांगशांग के हर वार से बच जाता है, यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है जो कि एक बीस्ट टाइप की थी और वो फिनिक्स थी। फिनिक्स स्पिरिट सोल बीस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ साथ भी फेंक सकती है। अब ये देखकर जीवु और तांगशांग बहुत शौक होते हैं क्योंकि इतने बूढ़े लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी। लेकिन अब तांगशांग अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि तांगशांग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा ऑक्सीड होता है जिस वजह से अब जीवु उससे लड़ने जाती है। हालांकि जीवु पर भी वो भारी पड़ता है लेकिन जीवु क्योंकि एक लड़की थी जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और फिर जीवु को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। जीवु बहुत खुश होती है लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि जीवु और मोटे लड़के के बीच फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वही तभी उनकी लड़ाई अब फिर से होने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ मिस्टर धाई आकर उन्हें रोकता है और फिर उनकी लड़ाई को शांत कराता है। असल में ये मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है और अब मिस्टर धाई सभी को मोटू की कहानी बताता है। असल में मोटू इसी स्कूल के अंदर का स्टूडेंट है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की सोल म्यूटेटेड स्पिरिट सोल है, यानी उसकी दो सोल से उत्पन्न होने वाली एक सोल है और ये म्यूटेटेड सोल बहुत खतरनाक है और इस वजह से मोटू बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये मोटू अभी अपने स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता और इस वजह से इसकी स्पिरिट सोल इसके इमोशंस को भी चेंज कर देती है और ये मोटू अपने आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मोटू को इस वजह से कई सारी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगता है लेकिन अभी तक जितनी भी इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी उन सभी ने इसको धोखा दे दिया है जिस वजह से मोटू बहुत परेशान रहता है। लेकिन हाँ, इसके स्पिरिट सोल को सिर्फ एक चीज से काबू किया जा सकता है और वो चीज है इसको भरपेट खाना खिलाना। ये सब सुनकर बाकियों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यहाँ आकर वो बहुत अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहे थे और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। अब मिस्टर धाई उसे बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ अब ऑस्कर भी आता है जो उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो निंगरोंग रोंग के सामने अपनी हिकड़ी भी दिखाने की कोशिश करता है, यानी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसने अपनी पियर भी कटवा ली होती है लेकिन निंगरोंग रोंग इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती बल्कि उसे इसके इस पागलपन पर इरिटेशन होने लगती है। अब फिर वहाँ स्कूल का दिन आता है और जीवु समझ जाती है कि ये दिन तो वही है जो पहले शॉपकीपर बने हुए थे और इन्हीं से इन्होंने वो हेयर क्रिस्टल खरीदा था। असल में वो शॉपकीपर का काम भी करते हैं और यहाँ के दीन भी हैं। वो फिर सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और फिर उन्हें टास्क देना शुरू करता है। वो सबसे पहले निंगरोंग रोंग को और ऑस्कर को बुलाकर उनसे इस जगह के 20 राउंड मारने को कहता है और उन्हें भेज देता है। बाकी बच्चों को वो मिस्टर धाई से यहाँ के रूल समझाने को कहता है और फिर तांगशांग को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो थोड़ी ग्रैंड मास्टर के बारे में बातें करते हैं और तांगशांग ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर दिखाता है जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि तांगशांग को श्रेक स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें निंगरोंग रोंग के ट्राइब को दिखाते हैं जो निंगरोंग रोंग के घर से भाग जाने वाली बात से काफी नाराज थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि वो श्रेक स्कूल में पढ़ रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो खुद श्रेक स्कूल से अच्छी एजुकेशन उसे दे सकते हैं। वहीं ऑस्कर और निंगरोंग रोंग जो राउंड लगा रहे थे उसमें ऑस्कर अपनी सोल पार से सॉसेज बनाकर उसे देने की कोशिश करता है क्योंकि निंगरोंग रोंग में सुबह से कुछ नहीं खाया था। लेकिन निंगरोंग रोंग एटीट्यूड में उसके सॉसेज को मना कर देती है और उसको पीछे छोड़ आगे निकल जाती है। वहीं निंगरोंग रोंग के ट्राइब वाले अपने आदमियों को निंगरोंग रोंग को वापस बुलाने के लिए भेज देते हैं। अब फिर कुछ देर बाद फिर से सभी बच्चे उसी लाइन में आकर खड़े होते हैं और अब दीन उन्हें उनके 20 राउंड के पूरे होने के बारे में पूछता है जिस पर ऑस्कर तो कहता है कि उसने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन निंगरोंग रोंग से पूछे जाने पर वो ऑस्कर खुद ही पहले बोलकर ये कह देता है कि हाँ, उसने पूरे कर लिए हैं। अब वो ऑस्कर को आगे बुलाकर उसे शाबाशी देते हैं और फिर तुरंत उससे 20 राउंड और मारने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर ऑस्कर को बुरा तो लगता
सकता है, लेकिन अपनी टीचर की बात को वो मना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो 20 राउंड फिर से मारने के लिए चला जाता है। असल में उन्हें समझ आ गया था कि निंगरोंग रोंग ने 20 राउंड नहीं मारे हैं और ऑस्कर ने झूठ बोला है। ऑस्कर ने तो पहले 20 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसने निंगरोंग रोंग के लिए झूठ बोला था। अब वो निंगरोंग रोंग को डांटने लगते हैं और ऐसा करने पर निंगरोंग रोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीचर से पलट कर ऊंची आवाज में बोलने लगती है और कहती है कि ये सिर्फ एक स्कूल है और कोई जंग का मैदान नहीं जो हर बात मानी ही जाए। असल में निंगरोंग रोंग का ट्राइब बहुत बड़ा और शक्तिशाली ट्राइब था, जिस वजह से वो हमेशा एरोगेंसी और घमंड में रहा करती थी और वो सबसे उल्टा उल्टा ही बोला करती थी। अब बीम उसको स्कूल से बाहर चले जाने को कहता है और मिस्टर थाई से इसका सामान पैक करने को कहता है, जिस पर निंगरोंग रोंग धमकी देती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे ट्राइक वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन डीन इसकी बात उसे नहीं डरता और उसे पलटकर कहता है कि तुम आखिर क्या कर सकती हो, तुम यहाँ सबसे कमजोर लड़की हो और तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें एडमिशन दे रखा है। अब निंगरोंग रोंग को ये बात बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जब वो अपने पास खड़े तांगशान, जीवू, मोटू, मिस्टर धाई और कैट गर्ल को देखती है तो उसे भी अपने आप को कमजोर महसूस लगने लगता है। लेकिन फिर वो ऑस्कर को देखती है और उससे ज्यादा तो वो ताकतवर होगी ही, ये सोचने लगती है। लेकिन डीन उसे बताता है कि ये ऑस्कर भी अपनी फुल सोल पार रखता है और अपने फील्ड के लोगों के बीच ये सबसे ताकतवर है। अब निंगरोंग रोंग को समझ आ जाता है और वो उदास होकर रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। अब फिर शाम को दीन उन सभी को बाहर शहर में घुमाने ले जाता है और थोड़ा घूमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाया जाता है जहां दो योद्धाओं के बीच कंपटीशन हुआ करते थे। इस जगह का नाम सोल एरिना है और यहां लोग अपनी अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक दूसरे को हराते हैं। असल में यहां जीतने वाले को अलग अलग बैजेस दिए जाते हैं और दीन उन सभी को ये कहता है कि तुम्हें श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बैच तो यहां हासिल करना ही होगा। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहां मिस्टर धाई उन सभी को ये बताता है कि वो 29 मैचेस जीते हैं और 27 मैचेस हारे हैं, जिस वजह से उसका स्कोर 2 है। अब मोटो अपना स्कोर बताता है और उसका स्कोर 9 है। असल में मोटो की सोल पार कम है, इसलिए उसके पास कम ताकतवर योद्धा आते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर धाई की सोल पार ज्यादा है इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा लड़ने को आते हैं। अब फिर जीवू और तांगशान अपना अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं और वो 2 vs 2 के लिए अपना नाम लिखवाते हैं और उनकी टीम का नाम सांगवू रखा जाता है। अब फिर रिंग के अंदर सबसे पहले जीवू और एक दूसरे योद्धा को लड़ने के लिए बुलाते हैं और उन दोनों की फाइट अब शुरू की जाती है। ओपोनेंट के पास आयरन राइनो की सोल पार थी और वो बहुत ताकतवर था, लेकिन जीवू भी कम नहीं थी। जीवू बिना सोल पार का यूज किए उस पर हमला करती है और कुछ ही देर की शानदार फाइट में जीवू अपनी स्किल का यूज करते हुए उसे मार गिराती है और इस मैच की विनर बन जाती है। अब अगला मैच तांगशांग और कैट गर्ल होना है और अब उन दोनों को रिंग के अंदर बुलाया जाता है। तांगशांग जानता था कि कैट गर्ल की एबिलिटी उसकी स्पीड है, जिस वजह से वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है और अब वो ऐसा करने के लिए उसको फंसाने के लिए एक केज बनाने लगता है और उसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर प्लांट बिछा देता है। अब कैट गर्ल उसके अंदर फंस जाती है और ये देखकर मिस्टर धाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में मिस्टर धाई कैट गर्ल को पसंद करता था और वो कैट गर्ल को जीतते देखना चाहता था। अब केज के अंदर तांगशान कैट गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैट गर्ल उसके दाव से बच जाती है और वो ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर धाई को समझ आ जाता है कि असल में तांगशान कैट गर्ल को केज के अंदर बंद नहीं करना चाहता था। वो तो जमीन में अपने ब्लू सिल्वर प्लांट को बिछा देना चाहता था ताकि जब ये आसमान में उड़कर मारे तब नीचे से ब्लू सिल्वर प्लांट इसके पैरों को पकड़ ले और इसको बंदी बना सके। और फिर ऐसा ही होता है और जब कैट गर्ल नीचे से ऊपर उछलती है तब तांगशान नीचे से उसको पकड़ लेता है और वो उसको बंदी बना लेता है, जिसके बाद तांगशान को विनर घोषित कर दिया जाता है। कैट गर्ल इस हार से निराश हो जाती है, लेकिन मिस्टर धाई उसे सांत्वना देते हैं कि ये जगह एक प्लेन जगह थी और तुम्हारी एबिलिटी पेड़ों पर चढ़कर मारने की है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ हारने पर उदास नहीं होना चाहिए। अब फिर 2 vs 2 राउंड शुरू किया जाता है, जिसमें एक टीम में जीवू और तांगशान रहते हैं और दूसरी टीम में 2 हैमर सोल पार के भाई रहते हैं। उसमें से एक आयरन टाइगर है और दूसरा आयरन ड्रैगन है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं।
वो दोनों रैंडम स्किल हैमरिंग का यूज करके तानशांग और जीवू पर हमला करते हैं और हालांकि तानशांग पे उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और तानशांग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और लड़ाई के बीच उनमें से एक भाई तानशांग पर हैमर से वार कर देता है, जिस वजह से तानशांग बहुत घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल होने से पहले उन दोनों को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर फंसा देता है। जीवो तानशांग को घायल देख बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अब सीरियस होकर उन दोनों के ऊपर अपनी ब्लेड फेंकती है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था जिसमें हार जीत तो होनी ही थी, लेकिन जीवो के फेंके हुए ब्लेड उन दोनों की जान ले सकते थे, जिस वजह से तानशांग अपना हिडन वेपन उनकी तरफ फेंक कर उन्हें मरने से बचा लेता है। और फिर वो दोनों भाई इनकी ताकत को देखकर खुद ही अपनी हार एडमिट कर लेते हैं और शानवू को अब विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद तानशांग को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब फिर वो सब बाहर आते हैं और आज मिस्टर धाई ने कैट गर्ल को प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, लेकिन मोटू सबके सामने ये बात कह देता है, जिससे मिस्टर धाई की अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती है और कैट गर्ल उसे एक आवारा लड़का समझ वहाँ से चली जाती है। अब फिर जीवो और तानशांग भी आपस में बातें करते हैं और फिर वापस स्कूल की तरफ आने लगते हैं। वहाँ स्कूल के एंट्रेंस पर वो मिस्टर धाई को निंगरोंग रोंग से झगड़ते हुए देखते हैं और निंगरोंग रोंग इतनी बदतमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर धाई को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तानशांग उसे रोककर अपने गुस्से पर काबू करने को कहता है, जिसके बाद मिस्टर धाई उसको वहीं छोड़ खुद अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद निंगरोंग रोंग तानशांग को कहती है कि तुम जाकर मिस्टर धाई को जान से मार डालो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी ट्राइब तुमको बहुत सारे पैसे देगी और तुम्हें हमारे क्लान में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी। अब तानशांग ये सब सुनकर उसे मना कर देता है क्योंकि उसके लिए इस सब का कोई महत्व नहीं था और वो उसको सुधरने के लिए कहकर चला जाता है। वो फिर अपने पास खड़े ऑस्कर से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन अब ऑस्कर भी मना कर देता है। निंगरोंग रोंग बहुत शौक होती है और कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? जिस पर ऑस्कर कहता है कि तुमने बार बार बोलकर मुझे ये एहसास करा ही दिया कि तुम एक बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने एक तुच्छ से व्यक्ति हैं और मुझे अब खुद भी लगता है कि मैं तुम जितनी बड़े घराने की लड़की के लिए नहीं बना हूँ। अब निंगरोंग रोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हालांकि वो पलट कर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर आगे नहीं सुधारा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा और अब वो जोर जोर से रोने भी लगती है। अब अगले दिन फिर से सभी बच्चे स्कूल के अंदर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ फिर से ऑस्कर आने में लेट हो जाता है और जब वो आता है तो दीन उस पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी ऑस्कर खुश होते हुए उन्हें ये बताता है कि मैंने आज सुबह ट्रेनिंग की थी और आज मेरी सोल पार 30th रैंक पर पहुंच गई है। अब ये सुनकर दीन बहुत खुश होते हैं और बाकी बच्चे भी उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि फूड सोल पार को रैंक 30 पर पहुंचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब रैंक 30 से आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी सोल पार में स्पिरिट रिंग एक्ट करनी है और इसीलिए उसे एक बीस्ट को मारना है। इसीलिए दीन उन सबको ये ऑर्डर देता है कि तुम सब आज जंगल जाकर बीस्ट को मारोगे ताकि ये उसके अंदर से स्पिरिट रिंग को हासिल कर सके। अब वो इस बाग की सेलिब्रेशन के लिए ऑस्कर से सबको एक एक सॉसेज लेने को कहता है और वो खुश होकर सॉसेज बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सॉसेज नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब उसका सॉसेज बनकर रेडी हो जाता है तो अब सबसे पहले निंगरोंग रोंग उसके सामने आती है और उसके दोनों सॉसेज खा लेती है और ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं। अब फिर वहाँ मिस्टर जाओ भी आते हैं और वही इनको जंगल ले जाने वाले हैं। अब सब मिस्टर जाओ की गाइडेंस में जंगल के अंदर शिकार करना चालू करते हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई पीस दिखाई नहीं देता। वहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ ऑस्कर चलते चलते खाई में गिरने लगता है, लेकिन निंगरोंग रोंग उसे बचा लेती है। और अब निंगरोंग रोंग की तरफ से भी हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलता है। अब जंगल में घूमते घूमते वो दूसरे टाउन में आ जाते हैं और वो यहाँ एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सब इस टाउन के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने लगते हैं और वहाँ एक और स्कूल के बच्चे खाना खाने आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत शरारती थे और उनको हमेशा कोई ना कोई पंगा चाहिए ही होता है। शेख स्कूल वाले बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पंगा होने वाला है। दूसरे स्कूल के बच्चे पहले तो उनके ऊपर वेटर का खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानशांग अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए उस खाने को रोक देता है। और फिर वो स्कूल वाले बच्चे मिस्टर धाई के पैर में चोट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर धाई खुद इतने स्ट्रांग थे
कि दूसरे स्कूल वाले बच्चों को ही चोट लग जाती है। अब दूसरे स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनके स्कूल के बारे में उनसे पूछता है, और जब उन्हें उनके स्कूल का नाम पता चलता है तो वो उन पर बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो बच्चे जिस स्कूल से थे वो बहुत अमीरों वाला स्कूल था। अब फिर उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसमें स्कूल के बच्चे श्रेक स्कूल के बच्चों से लड़ते हैं, लेकिन श्रेक स्कूल की जीवू ही उन पर भारी पड़ने लगती है। और अब दूसरे स्कूल के लीडर को भी गुस्सा आ जाता है, और अब दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।